हेलो दोस्तों, मैं रीता सैनी रीता लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी, और ये चटनी आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। इस चटनी को बनाने के लिए हमने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के गर्म करा, और उसमें हमने रख दिए हैं 4 टमाटर कट करके रख दिए हैं, और इन टमाटरों के ऊपर हम थोड़ा सा नमक छिड़क के रख देंगे। नमक छिड़कने से टमाटर थोड़े जल्दी गल जाएंगे। अब नमक डालने के बाद इस पैन के ऊपर हम एक प्लेट ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इस प्लेट को उतार के देखेंगे तो टमाटर का छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। ये देखो, हमने सभी टमाटरों के छिलके उतार दिए हैं, और छिलके उतारने के बाद इन टमाटरों को एक बाउल में निकाल लिया। बाउल में निकालने के बाद इन टमाटरों को हाथों से या किसी चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, और फिर उसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज। मैंने 2 प्याज लिए हैं, और उनको अच्छी तरह बारीक काट के टमाटर में मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद टमाटर को रख देंगे साइड में, और फिर उसी पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। तेल के अंदर जीरा डाल के उसे भून लेंगे, और उसे फिर लहसुन की 4-5 कलियां काट के फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई होने के बाद जो हमने चटनी बना के रखी है टमाटर की, उसको इसी के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और सही बता रही हूँ ना, ये चटनी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि अगर हमें भूख लगी हो 2 रोटी खाने की बजाय हम 4 रोटी खा लेंगे। इस चटनी को हम रोटी पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं, और सैंडविच के साथ भी इस चटनी को खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू।